विधानसभा चुनाव 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी कर सकती है, जेजेपी कर सकती है, केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। भाई साहब, खट्टर साहब के पास हरियाणा के बच्चे गए, उनको इसराइल भेज रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मजदूरी करने के लिए। ...2024 लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी को जीत की हैट्रिक जमाने से रोकने के लिए जोर शोर से विपक्षी गठबंधन का ऐलान हुआ था। शब्दों के कुशल गठजोड़ से नाम भी रखा गया इंडिया, जिन नीतीश कुमार ने इस गठबंधन के संयोजक की भूमिका निभाई, बंगाल से दक्षिण भारत तक के छत्रपों को जोड़ा, वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने भी बगावती तेवर दिखाते हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खट्टर साहब के पास हरियाणा के बच्चे गए, उनको इसराइल भेज रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मजदूरी करने के लिए। हमारे हरियाणा के बच्चों को इसराइल भेज रहे हैं। इसराइल कौन भेजता है? इसराइल में युद्ध चल रहा है, बम पड़ रहे हैं ऊपर से, 2 मिनट जान के जान का नहीं पता, आदमी खड़ा होगा अचानक बम बाकी गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा। हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो खट्टर साहब इसराइल? आप नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो, हम नौकरी दे के दिखाएंगे। हमको नौकरी देनी आती है, मान साहब को नौकरी देनी आती है, केजरीवाल को नौकरी देनी आती है, आम आदमी पार्टी वालों को नौकरी देनी आती है। हमारे बच्चों को इसराइल मत भेजो, बच्चों को मरने के लिए इसराइल मत भेजो। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। विधानसभा चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। अब ये नहीं, ये थोड़ा बड़ा दुख होता है, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, तो बीच वालों ने क्या कसूर करा? आपके हाथ में है बटन दबा के इस बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना। अक्टूबर में चुनाव है, अक्टूबर के चुनाव में 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों का आशीर्वाद है। जब दिल्ली सुधर रही है, पंजाब सुधर रहा है, तो हरियाणा का तो मैं बेटा हूं, हरियाणा का भी तो उद्धार होना चाहिए। भारत माता की। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। पत्रकारों से बातचीत में ममता ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। वहीं नीतीश कुमार ने भी पाला बदलते हुए कांग्रेस पर ही गठबंधन में कुछ नहीं करने का ठीकरा फोड़ा। बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था, तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए,
अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। जैसे इतने झटके काफी ना हो, अब आम आदमी पार्टी ने भी बगावती तेवर दिखा दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में घोषणा की कि आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने अपने भाषण में कांग्रेस पर तंज भी कसा। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव वो इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। लेकिन केजरीवाल की विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा को दबाव की राजनीति बताया जा रहा है। केजरीवाल लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल अधिक सीटों पर दावा ठोकने के लिए माहौल बना रहे हैं। अभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। इस बात की शिकायत समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कर चुके हैं। इस बीच राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और यहां गठबंधन के साथ ही साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन ऐसी गाड़ी बन चुका है जिसके सारे पहिए अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।